राम राम जी सभी भाइयों को। तो आ गया हूँ मैं फिर से हर्ष विहार, जहाँ पे बाबा श्याम जी ने दर्शन दिए थे। तो यहाँ पे तब से ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते रहते हैं, जागरण जगराता और आपका बाबा का गाने डीजे वगैरह सब बजते रहते हैं। तो ये देखिए पब्लिक भी अभी भी यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे पब्लिक रहती है, ये देखिए। तो यहाँ पे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है मंदिर के निर्माण के लिए, तो वो यहाँ पे उपस्थित है। तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे भूमि पूजन होगा। अब भूमि पूजन होगा तो आप देखते हैं, बात करते हैं उनसे कि ये बात सही है, कब से भूमि पूजन होगा, क्या है सारा प्रोसेस, कैसे कैसे क्या होगा। तो अब हम चलते हैं इनके पास और करते हैं इनसे बात। तो चलते हैं, ये देखिए यही वो दीवार है जहाँ बाबा श्याम जी ने दर्शन दिए थे। तो ये देखिए, तो चलते हैं भैया के पास और माता जी के पास और करते हैं इनसे बात। नमस्कार माता जी। नमस्कार भैया जी, कैसे हो? जय हो बाबा की, जय श्री श्याम। तो भैया जी आपसे बात करनी थी, ये पता करना था, यहाँ पे सभी भक्त बताते हैं कि बाबा श्याम का यहाँ पे मंदिर बन रहा है, ये बात तय है। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, सभी लोग पूछते हैं कि मंदिर बन रहा है, बन रहा है सब कह रहे हैं, लेकिन कब से बन रहा है इस चीज का कंफर्मेशन अभी तक सही से किसी ने पुष्टि की नहीं है। तो आप हमें बताइए, सभी दर्शकों को बताइए कि ये आपका निर्माण कार्य कब से चालू होगा और कैसे कैसे आगे का प्रोसेस रहेगा, बताइए। पहले तो आपके क्या चैनल के माध्यम से, मेरा नाम योगेश शर्मा है। योगेश शर्मा जी, ठीक है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो बाबा का आशीर्वाद हमें मिला, हमारे परिवार को मिला, और हमें इस बाबा का जो मंदिर जिस भूमि पे बनने जा रहा है, तो इसको लेने का बाबा ने हमें सौभाग्य दिया। तो हम पहले तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब आपका जो जवाब है मैं जरूर बताना चाहूँगा, और मेरी इच्छा भी थी कि मैं एक बार पब्लिकली हम इस चीज़ को करें। अभी लास्ट टू लास्ट जो पीछे जागरण यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो उस दिन भी हमने घोषणा करी थी। लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आज तारीख है 12 तारीख है, आज परसों यानी कि 14 तारीख, 14 तारीख को हमने जो भी विद्वान पंडित हैं हमने उनसे तिथि निकलवाई थी कि भाई हमें डेट निकाल करके आप बताओ कि किस दिन बाबा का पूजन जो रहेगा, भूमि पूजन किस दिन रहेगा। तो उनके द्वारा बताया गया है 14 तारीख को यानी कि परसों और 11 बजे का समय रहेगा, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को 14 तारीख के लिए बाबा के इस दरबार के भूमि पूजन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी, और यहाँ की जनता की तरफ से भी। सब सादर आमंत्रित है, सब यहाँ पर शामिल हों बाबा के भूमि पूजन में। जिस दिन का सबको इंतजार था वो दिन अब दूर नहीं है, कल कल का दिन बीच में है। तो 14 तारीख समय 11 बजे का रहेगा, बाबा का भूमि पूजन होगा उसी दिन से, यानी कि भूमि पूजन आप समझते हो, भूमि पूजन से ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। आगे आगे की प्रक्रिया जैसे जैसे बाबा चाहेंगे वैसे वैसे आगे मंदिर की कार्य। जय श्री श्याम, नरेश की जय, हरे के सारे की जय, श्याम चारे की जय, इसके दानी की जय। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे 14 तारीख को भूमि पूजन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मंदिर का निर्माण का कार्य यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो भक्तों कैसा आपको लग रहा है, सबको यहाँ पे कैसा लग रहा है मंदिर का निर्माण होगा? बल्हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, तीन वाण धारी की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर्ष विहार की जनता को कैसा लग रहा है यहाँ पे मंदिर? भाई आप लोगों ये सब चाहते थे कि भाई मंदिर बनना चाहिए, और अब यहाँ पे बाबा श्याम खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पे आके ही रहूंगा और मंदिर बन के ही रहेगा। तो जैसा कि भैया ने बता दिया कि यहाँ पे मंदिर बनेगा और इसका स्टार्टिंग जो है भूमि पूजन भी यहाँ पे 14 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 11 बजे। तो आप सभी को आमंत्रित है, आप यहाँ पे आइएगा, अपना योगदान दीजिएगा, बाबा के दर्शन होंगे आपको और बाबा आप सभी पे कृपा बनाए रखे। जय हो खाटू श्याम महाराज की, मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, जय हो बाबा की, जय हो।